सेल्स सीखने से पहले मैं आपको चीज बता दूं, मैं हमेशा सेल्स सीखने का शौक रखता था, मगर समझ नहीं आती थी कि सेल्स सीखने किताबें पढ़ने के बावजूद आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं क्यों नहीं सेल्स कर पा रहा। इज बिकॉज व्हाट इज योर व्हाई? आप सुबह क्यों उठ रहे हैं बेड से? आप उठना क्यों चाहते हैं? फॉर द मनी। एंड दैट्स द रॉन्ग थिंग। If your why is powerful, I will explain later. If why is powerful, the how become easier. अगर आपकी why strong है, आपकी how बहुत आसान हो जाएगी। कोई बंदा जो मुझे अपनी तीन why बताए, एक तो बता दी, चले मानी, कोई भी गलत सही doesn't, ये ना बोल सोचें कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। एनी वन why? बेटर लिविंग, लग्जरी, फैमिली के लिए बेसिकली, और सेकंड वही के बेटर लिविंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मनी को मैंने क्यों थोड़ा सा डिनाई किया है? इज बिकॉज मनी इज बाय वर्क, जो आपको मनी मिलती है इज बाय वर्किंग हार्ड। एनीवन कैन वर्क हार्डर बेसिकली। सो यू मस्ट हैव अ वाई विच इज शुड बी डीपर। कैसे, मैं आपको एक वाई बताता हूँ अपना। 2012 में मैं लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, अभी मुझे याद है, लैपटॉप देख के मुझे याद आता है कि इतनी भी औकात नहीं थी कि हम लैपटॉप महंगा ले सकें। डेल का लैपटॉप था। सो मैं बैठा हुआ था लैपटॉप अपने थाइस पर लेके, वालदा सिस्टर से बात कर रही थी मेरी। सिस्टर उस वक्त अफगानिस्तान में जॉब कर रही थी किसी मेडिकल कॉलेज में, फार्मास्यूटिकल में थी वो। तो उनसे बात करने के बाद वो कमरे से निकली, और ये 2012-13 की बात है, और मुझे कहा, यार तुम क्या सारा वक्त लैपटॉप में लगे रहते हो, कब मेरी जान छुड़ाओगे बहनों से? अब वो कमाती भी हैं और मुझे शोर भी करती हैं, तो तुम कमाओ ना। नाउ आई हैव टू ऑप्शन, क्या मैं रोने लग जाऊं कि मैंने कुछ नहीं कर पा रहा, या तो मैं कहूं कि यार वाकई वालदा ने तो सही कहा, तीन बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, सो आई शुड मेक सम मनी। सो दैट वाज माय व्हाई बेसिकली, वो मेरी व्हाई थी। इट्स अ डीपर कनेक्शन, नॉट टू मेक मनी। मनी तो मैं उसको भी बना रहा था क्योंकि मैं 11 से कर रहा था काम, बट माई वाई इज डीपर। दैट्स वाई योर वाई शुड बी डीपर। सेल्स, इफ योर वाई इज फिक्स, आप सुबह आओगे जब आपको एक कस्टमर मिलेगा, पता क्या होगा, आप ये नहीं बोलोगे कि आपने ये नहीं बोलोगे आई होप आई गेट दिस सेल, आप ये बोलोगे आई विल गेट इट। आप कितना कमाना चाहते हैं? जस्ट कोई फिगर माइंड में आता हूं, एनी वन फिगर? मिलियन डॉलर। एनी वन कोई फिगर? देखो आपको माइंड में आ रहा नहीं है, अभी बोल रहे हैं जबरदस्ती, जब जोर लगाए पीछे, जैसे कब्ज हो गया। देने वाले को कोई मसला है? टैक्स लग गया आप पर, तो फिर बोलने में क्या मसला है? और अगर 1 मिलियन बोलने हैं तो 2 क्यों नहीं बोल रहे हैं? जितना इतना, देखो, स्पीक योर गोल्ड लाइक, इतने बड़े गोल बोलो कि यू माइट थिंक योर सेल्फ यू आर अ स्कैम, यू माइट थिंक योर सेल्फ यू आर अ स्कैम। जब हमारे पास कस्टमर बैठता है तो हम उसको जो बोलते हैं उसके बाद मुझे लगता है आई एम अ स्कैम, वो सोचानी चाहिए। बिकॉज यू मस्ट बी अफ्रेड कि यार अब देंगे कैसे, मगर देंगे कैसे इज पॉसिबल, यू मस्ट थिंक यू आर अ स्कैम। सो आज से आप जाएं कुछ भी नहीं करें, अगर आपको सेल्स चाहिए ना, लेट्स से आप कमा रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इफ यू वॉन्ट टू डबल इट, जस्ट राइट द वॉयस, डायरी पर जाके 10 वॉयस लिख लो और लिखते रहो, कुछ भी ना करो, सेल्स पर तवज्जो मत दो। हर दिन रात को सोने से पहले 10 वॉयस लिख दो अपनी, मैं क्यों काम कर रहा हूं, मैं क्यों सेल्स कर रहा हूं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप आफ्टर 3 मंथ्स सेल्स में डबल होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे यू विल बी मेकिंग सेल्स। द मोमेंट यू राइट समथिंग उसकी पिक्चर बन जाती है, एंड द मोमेंट पिक्चर बन जाती है, फ्यूचर से उठा के दिमाग प्रेजेंट में ला के सोचने लग जाता है। दिस इज वाई यू वॉच फिल्म जो शाहरुख खान फील करते हो अपने आप को, मगर होते नहीं हो। शाहरुख खान हीरोइन के साथ गले मिल रहा है तो आप भी सोच रहे होते हैं कि दिस इज मी, वाई पिक्चर सुना रहा है,
दिखा रहा है, आपने सोच लिया,